यम धम्म लिपि, यम धम्म लिपि, इस लाइन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यंग का मतलब होता है यह, यंग यानी यह धम्म लिपि, धम्म की लिपि है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात पत्थर बोल रहे हैं, ये बात सम्राट अशोक बोल रहे हैं। सम्रक्त पियदस्सी चक्रवर्ती अशोक बोल रहे हैं, महाभारत के निर्माता, जिन्होंने महाभारत बनाया। महाभारत मतलब पाली में कहते हैं महा का मतलब बड़ा, और भारत माने जो आज के समय में छोटा भारत है उससे बड़ा, जिसको संस्कृत भाषा में बृहत बोलते हैं। इसको बृहत शब्द को भूल जाइए। अगर आप पुराने अशोक के भारत की बात करेंगे तो वो महाभारत है। तो महाभारत के रचयिता सम्रट, सम्रट का मतलब है जो समता के, रट माने राष्ट्र को चलाते हैं, पियदस्सी मतलब जो सबके दर्शन जो देते हैं सबको प्रिय हैं, चक्रवर्ती मतलब जिन्होंने धम्म चक्र को घुमाया, धम्म चक्र को घुमाने वाले, बढ़ाने वाले। अशोक, अशोक ऐसे महान राजा हैं, उन्होंने पत्थरों की किताब बनवाई। उन किताबों पे जिस लिपि का इस्तेमाल किया, लिपि किसको कहते हैं, जिसमें कोई बात लिखी जाती है उसको लिपि कहते हैं। जैसे आज की डेट में आपके मोबाइल के अंदर जो इमोजिन आते हैं, इमोजिन जो नए नए तरह के चेहरे बने हुए आते हैं, कभी हाथ ऐसे आता है, कभी दो उंगली आती है, कभी हाथ आता है, कभी एक उंगली, कभी हाथ ऐसे आता है, ये इमोजिन है, जिसमें चेहरा आता है, कोई मुस्कुराता हुआ, कोई आंख दिखाता हुआ, कोई आंख मारता हुआ, कोई चश्मा लगाता हुआ, उनको इमोजिन बोलते हैं। तो ये जो अक्षर के चिन्ह होते हैं उसको लिपि बोलते हैं। वो जो लिपि है वो अपने आप कह रही है मैं धम्म लिपि हूं, अहं धम्म लिपि, यानी यंग धम्म लिपि, यह जो पढ़ रहे हैं धम्म लिपि है। और ये पियदस्सी अशोक ने यहां खुदवाई है, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है जैसा आप यहां फोटो में देख रहे हैं। चूंकि अब धम्म लिपि की ये जो किताब आप देख रहे हैं, ऐसी किताबें आने लगी हैं। ये किताब के बारे में मैंने पहले बताया था, आप धम्म लिपि वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। इसमें जो मोतीलाल आलमचंद जी हैं उन्होंने ये किताब लिखी है, उसमें मैंने फोन नंबर दिए हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं पटना वाले, जो जाने माने भाषाकार हैं, वो कहते हैं, उनका एक वीडियो का यहाँ मैं अटैच कर रहा हूँ, नीचे लिंक में आपको मिलेगा। इसके अलावा जो सागर में MBBS आनंद रक्षित भिक्कू हैं वो पढ़ाते हैं। सारे भारत में धम्म लिपि के अब हजारों जानकार हैं। इस किताब के माध्यम से दो दिन में आप अपनी आंखों से, अपने दिमाग से पढ़ सकते हैं यंग धम्म लिपि, यह धम्म लिपि है। ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि धम्म लिपि सारी भाषाओं का जननी है, सारी लिपियों की जननी है, यानी जितनी भाषाएं हैं उनको जो लिखा जाता है उनकी शुरुआत धम्म लिपि से हुई है। सम्राट अशोक की वो किताबें हैं जिनमें सबसे पहले अक्षर आपको मिले हैं, उसके बाद नए नए अक्षर मिले हैं जो ताम्रपद यानी जो तांबे की पत्तियों पर मिले हैं, या बाद में कहीं अगर कोई पत्ते वैसे हैं जो खराब हो जाते हैं, पेड़ों के पत्तों में तेंदुए पत्ते टाइप के, वहां कहीं मिले हैं, या बाद में अगर कागज पे या टंकड़ में या सोने में या चांदी में कहीं मिले हैं, तो वो सारे के सारी लिपियां धम्म लिपि से आती हैं। और धम्म लिपि के नाम को कई और नामों से लोगों ने बदलने की कोशिश करी, मगर कमाल की बात यह है कि जिन नामों को बदलने की कोशिश की धम्म लिपि से, उन नामों का अस्तित्व नहीं है, उन नामों का उद्गम नहीं है। इतिहासकार बड़े परेशान हैं कि धम्म लिपि को जो लोग अपनी भाषा कहने के लिए मरे जा रहे हैं, तुले जा रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि धम्म लिपि नहीं है, ये इस नाम की लिपि है, उस नाम का तो कहीं जिक्र ही नहीं आता। इतिहासकार ये ढूंढते ढूंढते पागल हो गए कि इस नाम का सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ, उद्गम कब हुआ, कहाँ से आया, कैसे आया। दरअसल सारे शब्द जितने भी हैं, या शब्द बोले जितने भी शब्द हैं, वो अपना इतिहास रखते हैं कि वो पहली बार कहाँ बने, कहाँ आए, उनका क्या मतलब था। अगर किसी शब्द का यानी अक्षरों के जोड़ का अगर कोई मतलब नहीं है तो वो शब्द बेकार होता है। तो अगर कोई शब्द आया है तो उसकी हिस्ट्री होती है, उसका उद्गम होता है, उसका विकास होता है, उसकी एक उसकी पूरी यात्रा होती है कि ये शब्द कैसे कैसे कहाँ तक आया, इसका जनाना शब्द कौन सा है, मर्दाना कौन सा है, यानी कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। तो जो शब्द फर्जी होते हैं, जो फेक होते हैं, जो
बीच बीच में भाषाओं पे कब्जा करने के लिए घुसेड़े जाते हैं, उनके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, जबरदस्ती उसमें डाले जाते हैं, और उनको ये कहा जाता है कि ये हमारा जो शब्द है ये पुराना है, प्राचीन है, उसका इतिहासकारों को इतिहास तो मिलता नहीं। और कमाल की बात यह है कि उसकी लाइनेज भी नहीं मिलती। अब लाइनेज क्या होती है, कोई शब्द है, जैसे शब्द है, वर्ड है, तो उसका एक धातु शब्द होता है, धातु का मतलब है बीच का एक शब्द होता है जिसमें पहले कुछ शब्द जोड़ेंगे, बाद में कुछ जोड़ेंगे, क्रिया है, विश्लेषण है, यानी एडजेक्टिव है या वर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है, या अगर वो फिक्स वर्ड है यानी कि प्रीफिक्स है या सफिक्स है या अव्यव है, तो सारे के सारे शब्दों की एक चयन मिलेगी और उसके साथ में जो जुड़ेंगे शब्द जिनको उपसर्ग बोलते हैं या परासर्ग बोलते हैं यानी आगे पीछे लगने वाले प्रीफिक्स और सफिक्स, उनकी एक लाइन मिलती है। उससे पता चलता है कि ये शब्द का इस्तेमाल कैसे हुआ, ये घटा कैसे, बढ़ा कैसे, और ये किस किस से मिलके कितने बने। कुछ शब्द ऐसे हैं पाली में जिनके ना माता है ना पिता है ना भाई है ना बंधु है, जबरदस्ती घुसेड़े गए हैं, कहीं से आगे हैं, नपुंसक जैसे शब्द हैं, बेकार के शब्द हैं, जबरदस्ती डाले गए हैं। कई बार जो भाषाविद हैं वो कहते भी हैं कि ये बाहर के शब्द ऐसे कैसे लिए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी लकीर की फकीरी है। हमारे जो विद्वान हैं वो नई बात कहने से और नई खोज कहने से बड़े डरते हैं, घिघियाते हैं, घबराते हैं, उनको रेफरेंस की आदत बहुत है, अपने पर भरोसा नहीं है, तो वो कहते हैं हाँ समझ में तो नहीं आ रहा मगर कोई रेफरेंस नहीं है। अरे रेफरेंस होता तो वो देता ना क्या आपको, अगर रेफरेंस होता तो मिलता ना क्या आपको, इसका रेफरेंस नहीं है, ये फर्जी शब्द है, फर्जी वर्ड है, घुसा हुआ है, ये बाहर से आया हुआ है, ये मनगणन है, ये बनाया है, तभी तो रेफरेंस नहीं मिल रहा। अगर रेफरेंस इसका होता तो ये शब्द खुद ही बोलता और ये खुद ही कहीं ना कहीं से आता तो ये अपने आप खुद ही बताता। तो इसलिए जितने विद्वान लोग हैं इस बात को अपने दिल में तसल्ली रखें कि जो शब्द के ऊपर नीचे दाएं बाएं या मेल फीमेल नहीं मिल रहा है, ना उसका मेल है ना फीमेल है, ना उसकी क्रिया है ना उसका क्रिया विश्लेषण है, ना उसका संज्ञा है ना उसका सर्वनाम है, तो वो शब्द फर्जी है, वो शब्द फर्जी है, और उसको जबरदस्ती इसलिए लाया गया है कि कोई दूसरा शब्द उसमें रिप्लेस हो जाए, उसकी जगह ले ले, उसकी जगह आ जाए। ऐसे कुछ खास शब्द हैं, आप समझ जाएंगे अगर जानेंगे तो देखेंगे। तो धम्म लिपि पे कब्जा करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर धम्म लिपि पे कब्जा हो जाता है तो अशोक की जो धम्म लिपि है उससे पहले आप अपनी किसी और लिपि के बारे में कह सकते हैं कि यह ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहां तो पत्थर ही बोल रहे हैं, आजकल सब जगह पत्थर ही बोल रहे हैं, कहीं जमीन से निकल रहे हैं, कहीं लगे हुए हैं, अब तो बच्चा धम्म लिपि पढ़ने लगा है, लगभग 1000 से ऊपर बच्चे तैयार हो गए हैं जो धम्म लिपि जानते हैं, और मेरे ख्याल में रोज 10-20 दो दिन में धम्म लिपि आ जाती है इस किताब को पढ़ने के बाद में। जो ये धम्म लिपि बड़ी सिंपल सी है, कै को क्या बोलते हैं, खै को क्या बोलते हैं, सै को क्या बोलते हैं, तो ये सारा का सारा जितना भी है आप धम्म लिपि सीखिए, आप खुद पढ़िए। दरअसल जो अशोक के पत्थर हैं वो सारे नेट पे उपलब्ध हैं, आप जब धम्म लिपि पढ़ेंगे वो भी नेट पे उपलब्ध है, वीडियो में भी उपलब्ध है, जो वीडियो बना रहे हैं मोतीलाल जी वो वीडियो ले सकते हैं, मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ आपको, वो वीडियो नीचे आपको मिलेंगी, एक वीडियो मैं अटैच कर देता हूँ, दो दिन में आप धम्म लिपि सीख जाएंगे, आप खुद ही कहेंगे इयं इयं धम्म लिपि, यह धम्म लिपि है, और इसको आप सबको बताइए, सबको सिखाइए, सबको इसके बारे में भेजिए, क्योंकि देवनागरी जो लिपि है वो इससे आई है। और देवनागरी क्या है, देव माने वो लोग जो पासी का पालन करते हैं, और नाग से बना है नागरी, यानी कि नाग लोग हैं, भारत के नागवंशी लोग हैं, उन्होंने लिपि बनाई है, उन्हीं के खानदान की लिपि है, क्योंकि अशोक भी नागवंशी रहे हैं और उन्हीं नागवंशियों तो धम्म लिपि का बाद में देवनागरी लिपि भी होता चला गया। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम है, दोनों फिट बैठते हैं, दोनों ही एक लाइन में आते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको धम्म लिपि की वर्णमाला से परिचय करवाएंगे। धम्म लिपि सम्राट अशोक के शासनकाल में इजाद की गई लिपि है। सम्राट अशोक के पूर्व भाषाएं तो थी लेकिन लेखन शैली विकसित नहीं हुई थी। लेखन का पुख्ता प्रमाण हमें सम्राट अशोक के काल से ही, सम्राट अशोक के शासनकाल से ही हमको देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के शासनकाल में हमें ढेरों अभिलेख भारतवर्ष में प्राप्त हुए हैं। भारतवर्ष में समस्त अभिलेख सम्राट अशोक ने धम्म लिपि में लिखवाए हैं। धम्म लिपि ही भारत की सबसे प्राचीन पठनीय लिपि है और धम्म लिपि ही भारतीय मूल की समस्त भाषाओं की लिपियों की जननी भी है।
वर्तमान भाषाओं की लिपियां, तमाम लिपियां इसी लिपि से निकली है, इसी धम्म लिपि से निकली है। इसलिए मैं इस लिपि को मदर स्क्रिप्ट कहता हूं, मां कहता हूं, भारतीय लिपियों की मां है, जननी है। आइए दोस्तों हम इस लिपि को पढ़ते हैं। धम्म लिपि वर्णमाला आ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अं क ख ग घ इंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह ळ। धम्म लिपि में सम्राट अशोक के अभिलेखों में केवल स्रोते वाला सा अधिकांश का प्रयोग किया गया है, सीटी वाला सा और षटकोण वाले सा का प्रयोग ना के बराबर मिलता है। अर्थात स मूलतः स्रोते वाला सा प्रयोग होता था, ये दोनों तालव्य सा और मूर्धन्य सा दोनों बाद में संस्कारित किए गए हैं। इसी प्रकार धम्म लिपि में 8 स्वर हैं, ये आई और औ बाद में संस्कारित किए हुए हैं, इसलिए यह स्वरों की संख्या आई और औ को मिलाकर 10 हो जाती है। अंग प्राकृतिक या पाली में इसे व्यंजन में गिना जाता है, जबकि हिंदी या भारूपी भाषा परिवार में इसको अनुस्वर में गिना जाता है, इसलिए अनुस्वर को भी मिलाकर यहां पर 11 स्वर और एक निहिता मिलाकर 11 अक्षर होते हैं। इसलिए 11 खड़ी इस धम्म लिपि में हमने बनाई है। 11 खड़ी या मात्रा किस प्रकार लगाई जाएंगी, मैंने यहां पर 11 सर्किल बनाए हुए हैं। सर्किल को आप एक लेटर से पहचान सकते हैं, इसे आप ठा मान सकते हैं या डॉट बीच में रख देंगे था हो जाएगा। इसको सिर्फ हम मात्रा लगाने का तरीका किस प्रकार है वह हम जानेंगे। देखिए दोस्तों का नीचे का है, पहले मात्रा पढ़ते हैं आ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अं। इस प्रकार ये मात्रा हमने ऊपर लगाई है, उ और बड़ों की मात्रा नीचे है अक्षर के और शेष मात्रा अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। इस प्रकार हम अब एक व्यंजन लेंगे, व्यंजन में मात्रा किस प्रकार लगाई जाएंगी देखिए दोस्तों। का 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 में ऊपर मात्रा लगाई गई है, की में ऊपर एक छोटी मात्रा, बड़ी की में बड़ी की बड़ी ई की मात्रा, का छोटा ओ की मात्रा कु, का बड़ा ओ की मात्रा कु, का ए की मात्रा के, का आई की मात्रा कई, का ओ की मात्रा कऊ, का औ की मात्रा कऊ, का अं की मात्रा कंग। इस प्रकार आप 11 कड़ी में मात्राएं किस प्रकार लगाई जाएंगी आप यहां पर दिए गए इस छोटे से चार्ट से आसानी से सीख सकते हैं। धम्म लिपि के लिए सीखने के लिए इतनी सामग्री पर्याप्त है। इस प्रकार का की जगह आप दूसरा व्यंजन भी लिख सकते हैं, मात्रा चढ़ाने का तरीका यही रहेगा। केवल जो सम्राट अशोक के अभिलेखों में हमें एक चीज और देखने को मिलती है, जो अक्षर नीचे गोलाई लिए हुए खत्म होते हैं, गोलाई लिए हुए हैं, जैसे था है, ठा है, टा भी है, इस प्रकार और भी अक्षर है, बाज नीचे गोलाई लिए खत्म हो रहा है, वहां पर एल नुमा उ की मात्रा या औ की मात्रा बड़ों की मात्रा न लगाकर एक सीधा नीचे डंडी भी खींच सकते हैं, जो ऊ की मात्रा या दो डंडी खींची तो बड़ों की मात्रा को प्रदर्शित करता है, या एल नुमा भी मात्रा लगा सकते हैं
जनरली सम्राट अशोक के अभिलेखों में इस प्रकार मात्रा लगाई गई है, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार बताया है। दोस्तों इसको आप बड़े आराम से सीख सकते हैं, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि को सीखने के लिए आप मुश्किल से 10 से 15 दिन इसको बार बार प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस करने के बाद इसकी स्वर प्रैक्टिस करते समय स्वर व्यंजन मात्रा चढ़ाने का तरीका और 11 खड़ी की इसकी प्रैक्टिस करिए, स्वाभाविक रूप से आप 15 दिन में लिपि लिखने लगेंगे, धम लिपि से आप पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Good time.